डेरा सच्चा सौदा प्रमुख व दो साथियों के साथ बलात्कार के दोष में 20 साल जेल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की दौलत और भव्य लाइफस्टाइल की भी खूब चर्चा हो रही है। खबरों में कहा जा रहा है कि राम रहीम के डेरे में होटल, रिसोर्ट, एस्पा और हेल्थ क्लब समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। वैसे राम रहीम के अलावा भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो खुद को साधु संत कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं। ऐसी एक महिला है राधे माँ, जिनकी लाइफस्टाइल भी कम विवादित नहीं। राधे माँ के कपड़े, मेकअप, भक्तों से गले मिलना और उन्हें फूल देकर आई लव यू फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माय हार्ट कहना सब कुछ बेहद जुदा और विवादित है। राधे माँ का असली नाम सुखविंदर कौर है और वह मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर शहर के मुकरिया की रहने वाली है। उनकी शादी 17 साल की उम्र में मोहन सिंह से हुई थी। उनके पति मिठाई की दुकान में काम करते थे। घर की तंगहाली कम करने के लिए सुखविंदर लोगों के कपड़े सिला करती थी। उस समय बाद उनके पति नौकरी करने के लिए दोहा चले गए, जिसके बाद वो परमहंस डेरा में जाने लगी। महंत रामाधीन से दीक्षा लेने के बाद आस पड़ोस के लोग उन्हें अपने घरों में होने वाले सत्संगों में बुलाने लगे। लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही उन्होंने अपने पहनावे को भी बदल दिया और किसी देवी माँ की तरह तैयार होने लगी। आज राधे माँ के नाम पर एक मंदिर और एक आश्रम भी है। बताया जाता है कि उनके भक्तों और समर्थकों ने ही उन्हें राधे माँ का नाम दिया है। हालांकि कई धार्मिक संगठन उनके इस नाम और पहनावे पर कई बार आपत्ति जता चुके हैं। वर्तमान में राधे माँ मुंबई में रहती हैं। हर दूसरे हफ्ते उनके भवन में माता की चौकी, सत्संग और जागरण होता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। इन भक्तों में आम से लेकर बेहद खास, यहाँ तक की फिल्मी हस्तियाँ भी शरीक होती हैं। यही नहीं, राधे माँ खुले मैदान में दिव्य दर्शन भी देती हैं। उनके समर्थकों का दावा है कि राधे माँ कभी कभार ही गहने पहनती हैं और फिर उन्हें उतार देती हैं। अक्सर वे इन गहनों को जरूरतमंद दुल्हनों को भेंट कर देती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राधे माँ के भक्त ही नहीं चाहते कि वो किसी सन्यासिन की तरह पोशाक पहने। भक्त अपनी माँ को 16 श्रृंगार के साथ देवी के रूप में ही देखना पसंद करते हैं। भक्तों का मानना है कि राधे माँ के पास देवीय शक्तियाँ हैं, हालांकि वो खुद भी ऐसा दावा नहीं करती हैं। उनकी वेबसाइट पर डिवाइन एक्सपीरियंस के नाम से एक सेक्शन है, जिसमें एक भक्त ने बताया है कि उसके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था और कैसे राधे माँ के सिर पर हाथ रखते ही दर्द छूमंतर हो गया। भक्तों की माने तो त्रिशूल के जरिए वो भगवान से जुड़ती हैं और जब भी वो भक्तों के सामने आती हैं तो उनके हाथ में ये त्रिशूल जरूर होता है। राधे माँ वैसे तो अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देती हैं, लेकिन उनसे अगर किसी को सीधे मिलना होता तो फिर टल्ली बाबा मदद करते हैं। दरअसल टल्ली बाबा और छोटी माँ दो ऐसे लोग हैं जो राधे माँ के सबसे करीब माने जाते हैं। राधे माँ की वेबसाइट पर बने डिवाइन एक्सपीरियंस सेक्शन में भी इन दोनों के बारे में बताया गया है। हालांकि टल्ली बाबा राधे माँ के सेवादार हैं, लेकिन आरोप लगते रहे हैं कि असल में वह उनका बेटा है। राधे माँ की हर चौकी, जागरण और दूसरे कार्यक्रम की सूचना उनके भक्तों तक टल्ली बाबा के माध्यम से ही जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त राधे माँ से सीधा मिलना चाहे तो उसे पहले टल्ली बाबा से मिलना होता है। हालांकि भक्तों को इससे पहले छोटी माँ के टेस्ट से गुजरना होता है। कहा जाता है कि राधे माँ ने छोटी माँ को अपनी दैवीय शक्तियाँ दी हुई हैं। राधे माँ और विवादों का भी चोला दामन का साथ रहा है। लग्जरी गाड़ियों, कीमती गहनों और डिजाइनर कपड़ों की शौकीन राधे माँ की मिनी स्कर्ट पहनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। भक्तों को गले लगाना, भक्तों की गोद में बैठकर दिव्य दर्शन देना और फिल्मी गानों पर उनके साथ डांस करना, ये सब राधे माँ के खास अंदाज हैं। यही वजह है कि उन पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लग चुका है। 2003-04 के दौरान पगवारा के एक हिंदू संगठन ने राधे माँ के खुद को दुर्गा का अवतार बताए जाने का विरोध किया था। साल 2015 में उन पर दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लग चुका है। बहरहाल गुरमीत राम रहीम को हुई सजा पर राधे माँ से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा था, जिनके घर कांच के हैं उन्हें चोट लगी है, मेरा घर पत्थर का है। तो ये तो फ्रेंड्स गुरमीत राम रहीम ही नहीं, राधे माँ की लाइफ स्टाइल भी है बेहद रंगीन।